ठीक है। और सोचिए कि गेन तो हम जानते ही हैं, किस टाइप का गेन है, ये कैपिटल नेचर का गेन है, इसलिए इस हेड में कैपिटल नेचर के इनकम ही चार्ज होती है, करेक्ट है। और इसका अगर पूरा फ्रेमवर्क पहले माइंड पे सेट करूं तो फ्रेमवर्क कैसे सेट करते हैं, इसका फ्रेमवर्क हम, द फ्रेमवर्क इज, आई आई आज मेरे पर डांटने की एनर्जी नहीं है, आप लोग टेंशन मत लो। अगर फ्रेमवर्क सेट करें तो सबसे पहला चार्जिंग सेक्शन में लिख रहा हूं, अब थोड़ा सा मैं बात कर सकता हूं, 45 इज अ चार्जिंग सेक्शन। अब इसके वेरिएंट पे जाएंगे अपन धीरे धीरे। अगला है 45 के बाद 46, इट्स अ स्पेशल प्रोविजन फॉर लिक्विडेशन केस, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूं ज्यादा मुद्दे नहीं है, अगर हर मुद्दे को आप, कई बार क्या होता है चार पांच सात कॉन्सेप्ट रहते हैं हमको समझ में नहीं आ रहे, तो हम पांच सात मुद्दे का या कॉन्सेप्ट का लोड लेते हैं, खत्म एक भी नहीं करते, है ना, काम करने की सोच थकाती, काम नहीं थकाता। तो लिक्विडेशन कितने मुद्दे हैं, 10-12 मुद्दे ही तो हैं इसमें, बाकी तो कुछ है ही नहीं इसमें। 46 लिक्विडेशन से रिलेटेड, अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो फिर मैं समझाने की कोशिश करूंगा, छोड़ेंगे नहीं इसको। अगला सेक्शन है सेक्शन 47, ऐसा ट्रांजेक्शन जिसको ट्रांसफर नहीं माना गया है, ठीक है, जिसकी बहुत डिटेल स्टडी तो नहीं की है बट हम एक जनरल जानते हैं। 47 के बाद है 48, ये जो कंप्यूटेशन आप करते हैं वो इसी सेक्शन में लिखा है, ठीक है। और सेक्शन 49, ये बेसिकली आप इसमें एक सेक्शन जानते हैं 49(1), और सेक्शन से वो मैं स्पेशल स्टडी के दौरान आपको कवर कराऊंगा, बट आप यू नो वेरी वेल कि 49(1) लिख देता हूं, अगर आपने प्रीवियस ओनर से कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में, विल में, इनहेरिटेंस में, गिफ्ट से किसी को प्रॉपर्टी मिली तो भाई किसी से तो मिली है तो वो प्रीवियस ओनर हुआ, अगर आपने किसी से खरीदी है तो वहां भी प्रीवियस ओनर है, अगर आप प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट किसी से परचेस किए तो वहां भी प्रीवियस ओनर है, लेकिन उसकी कॉस्ट नहीं लेते अपन। कब लेते हैं प्रीवियस ओनर की कॉस्ट, जब वो गिफ्ट से, विल से, एटसेट्रा इस तरीके से मिलती है, तो हम अपनी कॉस्ट लेने के बजाय, क्योंकि हमारी कॉस्ट तो नहीं ले, अगर मेरे को गिफ्ट से किसी को से प्रॉपर्टी मिली है तो मेरी कॉस्ट क्या है, निल, लेकिन यहां पर मेरी कॉस्ट नहीं लेना है, मेरे को किसकी कॉस्ट लेना है, प्रीवियस ओनर प्रोटेक्ट कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन बनाकर, नहीं तो निल लेंगे तो कैपिटल गेन कितना जाएगा सोच के तो देखिए, ठीक है, ओके 49(1). उसके बाद 49 के बाद सेक्शन 50, यह है डेप्रिशिएबल एसेट जब भी बिकती है तो कैपिटल गेन कैसे काउंट होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, थोड़ा डिफरेंट है करके इसका अलग सेक्शन बनाया गया। उसके बाद सेक्शन 50A, B, C, ए हमने नहीं पढ़ा है बट ए आप जानते हो, वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की जो एसेट सेल होती है वहां पर सरप्लस जो कि डिडक्शन से भी ऊपर निकल जाता है तो कैपिटल गेन में चार्ज करते हो ना, ये उसी का सेक्शन 50 है, मैं बनाऊंगा फिर से बताऊंगा हालांकि आपको, ठीक है, पढ़े नहीं हमने अभी कैपिटल गेन में, बट 50B जरूर पढ़ा है आपने, स्लम सेल, ठीक है। स्लम सेल से अगर आपको डर लगता है तो फिर से एस्टेब्लिश करेंगे, कूल माइंड से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए एंड मेक सम डिस्कशन विद योर फ्रेंड, करेक्ट है। देन सेक्शन 50C, ये स्टाम्प वैल्यू लिख देता हूं, इससे याद आएगा हमको, अगर आपने ऐसी प्रॉपर्टी बेची जिसकी रजिस्ट्री होती है, कौन सी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, लैंड बिल्डिंग की, ठीक है, ज्वेलरी खरीदा उसकी तो रजिस्ट्री होती नहीं है, तो रजिस्ट्री जिसकी होती है उसका वैल्यूएशन कौन करता है, स्टाम्प ड्यूटी अथॉरिटी। आपने जितने में भी ट्रांसफर किया है अगर वो सेल कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट का सेल कंसिडरेशन अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को ही एडॉप्ट कर लेगा एज अ सेल कंसिडरेशन, करेक्ट है, इट्स अ 50C, ओके। तो 50 हो गया 50ABC एंड उसके बाद है सेक्शन 51, अगर कोई भी जानता है 50 के बाद 51 ही आएगा, 51, तो 51 इज अ फॉरफीचर, लास्ट क्लास में सीखी हमने, तो फॉरफीचर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में एडवांस ले रखा है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ और आपने उस पैसे को फॉरफिट कर लिया है तो दैट अमाउंट ऑनर आफ्टर 1/4/2014, क्या सही है डेट, ऑनर आफ्टर 1/4/2014 वुड बी चार्जेबल अंडर दैट IUS, इसका कैपिटल गेन से कोई लेना देना नहीं है। और जब भी आप उस प्रॉपर्टी को फाइनली बेचेंगे तो नॉर्मल जैसा कैपिटल गेन निकलता है वैसा निकालना है, अभी का प्रोविजन समझ में आया, एग्जाम में यही आएगा 99%,
लेकिन प्रोविजन जब चेंज हुआ उसके पहले का समझ लेना चाहिए हमको। लेकिन पहले क्या होता था कि जब आप एडवांस मनी फॉरफिट करते थे इस डेट के पहले, तो पैसे का कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता था। फॉरफिट करने वाले साल कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता था। फाइनली जब आप एसेट सेल करते थे, उस एसेट को किसी और को सेल किया, तो कंप्यूटेशन करते समय उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जो आपने उस संपत्ति के संबंध में, एसेट के संबंध में एडवांस फॉरफिट कर रखा है, उसको रिड्यूस कर दोगे। समझ रहे हैं बात को? तो इसको मैं एक लाइन में बोलूं तो द फॉरफिटेड अमाउंट विल गेट रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बिफोर इंडेक्सेशन। ये पुराना प्रोविजन था, एक ही लाइन का प्रोविजन है, ठीक है, एक ही लाइन का प्रोविजन है। बुक में पढ़ते ना एक एक पेज लगता है हमको, लेकिन अगर इसको समझ गए तो कॉन्सेप्ट एक ही लाइन का, थ्योरी तो आती नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बहुत दिमाग खराब हो गया, इंस्टीट्यूट का वैल्यूएशन ऑफिसर की थ्योरी देगा, मेरे को मालूम है, आपको स्कैनर में नहीं दिखेगा, मेरे को तो पुराना एग्जाम से मालूम है, वैल्यूएशन ऑफिसर के अलावा कोई थ्योरी नहीं आती इससे। समझ रहे? फिर से सुनिए, 1/4/2014 के पहले क्या होता था, जब आप एडवांस मनी फॉरफिट करते थे, मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी का पहले की बता रहा हूं, क्योंकि नया प्रोविजन कुछ है ही नहीं, आईवीएस में चार्ज करना है खत्म। पुराना प्रोविजन यह था कि अगर आपने कोई मनी फॉरफिट की, समझना केस है ना, मैंने एक प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने उससे 25 लाख रुपए लिए और उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, 25 लाख रुपए मैंने क्या कर लिए, 25 लाख रुपए मैंने जब्त कर लिए उसके। अब उसके बाद उस प्रॉपर्टी को सेल करने का मैं मन ही छोड़ दिया। सोच के देखिए, मैं प्रॉपर्टी सेल ही नहीं करना है, वो 25 लाख का कुछ नहीं होगा, दैट विल बी कैपिटल रिसीट बट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, क्योंकि उसकी टैक्स ट्रीटमेंट कैसा था, इसका टैक्स ट्रीटमेंट तभी था जब वो प्रॉपर्टी फाइनली सेल होगी। सेल करने का अगर मैंने विचार त्याग दिया, मेरे को सेल करना ही नहीं है, तो वो एडवांस पड़ा रहेगा, कुछ नहीं होगा टैक्स ट्रीटमेंट। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी फॉरफिट किया, आईवीएस में टैक्स तो दे दो भैया, थोड़ा लॉजिकल बनाया इस प्रोविजन को, ठीक है। तो और जब सेल करूंगा तो क्या करूंगा, दैट फॉरफिटेड अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी, दिस इज अ कैपिटल एसेट, क्लियर है, दिस इज अ कैपिटल एसेट है कि नहीं, एक्चुअली में है, यूजिंग इन अ बिजनेस प्रोफेशन, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, पर्सनल यूज की थोड़ी ना, खैर छोड़ो उतना मत जाओ। हाँ जी, इफ दिस इज अ कैपिटल एसेट, इस कैपिटल एसेट को सेल करते समय, सेल पहले भी मैंने एक बार सौदा किया था, उससे 25,000 रुपए ले लिए थे, ठीक है, और अब पुराना प्रोविजन बता रहा हूं, और अब इसको जब मैं, अब वो तो जब्त हो गया 25,000, अब इस एसेट को जब भी सेल करूंगा तो उसका कैपिटल गेन निकालोगे। कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, एक ही फॉर्मेट है, सेल कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ये वाली जो अमाउंट मैंने फॉरफिट कर रखी है उसको रिड्यूस करूंगा। सोच के देखो ना, उसको रिड्यूस करते ही क्या हो गया, कॉस्ट कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाता है, कुल मिला के उस पैसे पे टैक्स अभी लग रहा है, जैसा कि कन्वर्शन का कैपिटल गेन टैक्स स्टॉक बिकते समय लगता है। समझ रहे हैं, पोस्टपोन किया है टैक्स लायबिलिटी, और क्या है। तो ये प्रोविजन 51 समझ में आ रहा है, मैं कल ही पढ़ाया करके इसको एक बार रिवाइज करना चाहता था, इट्स अ फॉरफिटेड अमाउंट। 51 के बाद आता है 52, 53, ये सेक्शन है ही नहीं कैपिटल गेन में, एक समय में हुआ करता था जब मैं इनकम टैक्स पढ़ना शुरू किया था, उसके भी पहले, वो ओमिट हो चुका है। और उसके बाद हमारी एक सीरीज चालू थी जो हमने पढ़ा ही नहीं है, 54 एटसेट्रा लिख देता हूं, 54, 54B, 54EC, 54D, इस तरीके के एग्जेम्पशंस हैं जिसको पढ़ते ही हमारा कैपिटल गेन कंप्लीट हो जाएगा। बस मैं रोक के रखा हूं इसको, खास लोगों को ही बताता हूं इसलिए रोक के रखा हूं। यहां तक समझ में आ रही बात, एक फ्रेमवर्क तैयार किया हूं आपको, सोचना, सोच कैसे डेवलप करना है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं यहां से, चार्जिंग सेक्शन की जब मैं वेरिएंट की बात करता हूं तो लिख रहा हूं मैं 1A, क्या समझ में आ रहा है, 2A, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, देन 3, 4, 5, वेरी गुड, क्लियर तो है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अ 1A, 2A, 3, 4, 5, ये इसकी टेंशन मत लेना। दिस इज अ जनरल चार्जिंग सेक्शन विच सेज कैपिटल गेन वुड बी चार्जेबल इफ कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर, क्या सही बोल रहा हूं, इफ कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर। नहीं भी लिख पाएंगे चिंता मत कर, मेरे को याद दिला, मैं फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, फिर आराम से बैठ के बनाते रहना, हालांकि आराम से कोई काम नहीं होता, वो नहीं होता फिर। हाँ, कम से कम ग्रुप वन में जो है वो कर सकते हैं, बहुत ग्रुप वालों के लिए बहुत दिक्कत है। कैपिटल एसेट ट्रांसफर, अब कैपिटल एसेट की मीनिंग दी हुई है सेक्शन 214 में,
और ट्रांसफर की मीनिंग दी है 247 में। भैया ध्यान रखना, इसको रटना नहीं है आपको, स्मार्टनेस से थोड़ा सोचिए क्या इस एक्शन ये आने वाला है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर, नहीं आने वाला, गारंटी है मेरी। थीम समझ लो बस, थीम ये है कैपिटल एसेट मतलब ऑल, जितनी एसेट आप जानते हो। एफआईआई वाला प्रोविजन ठीक है हम पढ़ते हैं, लेकिन उतना कोई टेंशन मत लेना उसका, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सभी प्रॉपर्टी, सभी ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी आर कैपिटल एसेट, एक्सेप्शन याद रखना है बस आपको, पर्सनल मूवेबल एसेट एक्सेप्ट ज्वेलरी, स्टॉक इन ट्रेड एटसेट्रा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड एंड सर्टेन बॉन्ड्स, सही है। अब इसमें आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, इसमें अगर आपको मैं पूछता हूं, जैसे कल भी पूछ रहा था कि भैया रूरल एग्रीकल्चर लैंड क्या है, तो हमारे को आंसर पता होना अलग चीज है, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, समझा सकें किसी को। हमको मार्क्स काय के लिए मिलते हैं, जो आपके आपको आपके नॉलेज पे मार्क्स मिलते हैं, नहीं मिलते, आपके नॉलेज को आप कैसे प्रेजेंट करते हो उस पे मार्क्स मिलते हैं। आपको तो पता है, यू फील कि यार मेरे को एग्रीकल्चर लैंड समझ में आता है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड समझ में आता है, जब लिखने जाता हूं तो क्या लिखता हूं, सोचता ए हूं, समझ रहे, सोचता ए हूं, लिखता बी हूं, लिखाता सी है। वो गाड़ी एक्चुअल में यहां से चालू नहीं होती, चालू वहां से होती है, हम पढ़ाते ए हैं, आपको समझ में आता है बी, और सुनते समझते सी हो, लिखते डी हो, वो कहां तक पहुंच जाता है। हाँ। तो मैं, मेरे बोलने का मतलब है कि जब आप कैपिटल एसेट पढ़े तो डेफिनेशन रटना नहीं है आपको, क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए, यू शुड नो द कॉन्सेप्ट कि आप किसी को भी ना सलाह दे सको, इस लेवल का बात होनी चाहिए। रटना तो है ही नहीं, थ्योरी आती तो मैं बोलता रटो आप, थ्योरी नहीं आती इससे। तो कैपिटल एसेट मतलब क्या होता है, ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट सम में वर्किंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है। यू शुड नो कि भैया ज्वेलरी क्या होती है, स्कल्पचर क्या होता है, इस तरीके की वर्किंग होनी चाहिए। ओके, ट्रांसफर वर्ड की डेफिनेशन 247 दी है, ट्रांसफर इंक्लूड सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सट्रिंगेजमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन, कन्वर्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरे को एक चीज समझ में आती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास अगर एसेट गई तो वो यहां पे कवर है, बात खत्म। समझ रहे हैं बात को, सोच के बताना। ए ने मिस्टर बी को गिफ्ट किया, वो 247 में कवर होगा कि नहीं होगा? 247 में कवर होगा कि नहीं होगा, यह अलग बात है कि ये जो 47 अंकल हैं उसको क्या करते हैं, भैया नहीं तुम इनोसेंट हो, गिफ्ट दे रहे हो, गिफ्ट में क्या टैक्स लगाना, एक बार लगाए भी थे इन लोगों ने, पता है आपको सीपीटी में गिफ्ट टैक्स था ना, जो गिफ्ट देता था उसके ऊपर टैक्स लगाते थे, सुपर फ्लॉप स्कीम थी गवर्नमेंट की, विड्रॉ कर लिया। अब इन्होंने क्या किया आपको पता है, जिसको गिफ्ट मिलता है उसको बोलते हैं आईयूएस में चार्ज करो, पता है आपको। हालांकि कुछ एग्जेम्पशंस है उसमें कि 50 से ऊपर होना चाहिए, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटिव में नहीं लेंगे, मैरिज के दौरान नहीं लेंगे, दैट इज ओके। लेकिन गिफ्ट अब जिसको मिलता है उसको गिफ्ट टैक्स नाम से न लेकर उसको इनकम टैक्स में जोड़कर उसे अल्टीमेटली क्या ले रहे हो आप, इनकम टैक्स ले रहे हो। 56(2) ध्यान है कि नहीं, ठीक है वापस आओ। ट्रांसफर एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास एसेट गई वो ट्रांसफर है, इंक्लूडिंग कन्वर्शन एंड कंपल्सरी एक्विजिशन। मैं इसको स्पेशली क्यों बोल रहा हूं मालूम है, इंस्टीट्यूट के एकदम फेवरेट लिस्ट में है दोनों पॉइंट, हमारे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस के लिए एकदम फेवरेट लिस्ट में है, कन्वर्शन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड विच विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू 45(2) एंड कंपल्सरी एक्विजिशन विच विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45(5) जिसके अभी हम बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो ट्रांसफर एक्सेप्ट सर्टेन ट्रांजेक्शन विच इज कवर्ड बाई सेक्शन 47 लाइक गिफ्ट विल एटसेट्रा। इसका मतलब है अगर कोई सेक्शन 47 में ट्रांजेक्शन है तो वो एक प्रकार से एग्जेम्प्ट है, मैं बोल सकता हूं, एग्जेम्प्ट बोलना नहीं चाहिए बट एग्जेम्प्ट, टैक्स नहीं लगेगा। तो किस प्रीवियस ईयर में चार्ज होगा, जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर होगा, हालांकि इसका एक्सेप्शन 2 में, 1A में और 5 में है, क्या सही है? yes, इन तीन में इसका एक्सेप्शन है, वो हम बात कर लेंगे कंप्लीट। 1A में जब मैं आता हूं, द अनदर चार्जिंग सेक्शन सब सेक्शन, ये खास केस को बोलता है, अगर कोई भी इंश्योर्ड कैपिटल एसेट चार रीजन से डिस्ट्रॉय हो गई तो उसको कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे,
जिस साल पैसा मिलेगा उस साल चार्जेबल होगा कि सेल कंसीडरेशन लेंगे, ठीक है, और पीरियड ऑफ होल्डिंग, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट एसेट टू डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, करेक्ट है। ये प्रोविजन एक्चुअली में वनिया सिल्क मिल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नलीफाई करने के लिए लाया गया था। वनिया सिल्क मिल इसलिए पढ़ते हैं अपन क्योंकि वनिया सिल्क मिल के अगेंस्ट या उसको नलीफाई करना मतलब उसके उसके डिसीजन को खत्म करने के लिए सेक्शन को लाया गया था। तो 45(1) अगर कहीं लागू नहीं हो पाया तो आज भी वनिया सिल्क मिल के डिसीजन के आधार पर कैपिटल गेन चार्ज डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी पे नहीं होगा। मींस अगर कोई कैपिटल एसेट इंश्योर्ड ही नहीं है, अनइंश्योर्ड कैपिटल एसेट इफ डिस्ट्रॉयड, इन दैट केस 45(1) अट्रैक्ट होगा क्या? नहीं होगा। इट मींस नो कैपिटल गेन वुड बी चार्जेबल, जबकि मैं चाहता हूं चार्ज हो। आप चाहते कि नहीं आप सोचो, क्योंकि सेल कंसीडरेशन जीरो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा, आई विल गॉट अ लॉस। लॉस अच्छे होते हैं इनकम टैक्स में, यू नो वेरी वेल, लॉस अच्छे होते हैं कि नहीं? Yes. हाँ, लॉस अच्छे होते हैं क्योंकि आपने सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड चैप्टर पढ़ रखा है। ओके, 45(2) जो है इट इज व्हाट, 45(2) जो है ये है किसी कैपिटल एसेट को अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया है तो जिस दिन कन्वर्ट किया वो डेट ऑफ ट्रांसफर तो है, लेकिन कैपिटल गेन चार्ज होगा जब ये स्टॉक इन ट्रेड सेल होगा। इसको मैं दूसरे शब्दों में बोल सकता हूं कि इन्होंने कैपिटल गेन टैक्स की लायबिलिटी को पोस्टपोन किया है। ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, पोस्टपोन तो किया और क्या, जबकि नॉर्मली चार्ज कब होना चाहिए? नॉर्मली चार्ज होना चाहिए, नॉर्मली चार्ज होना चाहिए, चंद्र रिकॉर्ड कर रहे इसको, हाँ, जबकि नॉर्मली चार्ज होना चाहिए ईयर ऑफ ट्रांसफर, और ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या है यहां पर? कन्वर्शन, मतलब मैं घर की ज्वेलरी को लाके अपनी ज्वेलरी शॉप में रख दिया 14-15 में, तो 14-15 ईयर ऑफ ट्रांसफर हो गया, लेकिन ज्वेलरी बिकी नहीं, ज्वेलरी दो साल बाद बिकी, दो साल बाद कैपिटल गेन कैलकुलेट करोगे आप, लेकिन ट्रांसफर का ईयर वही रहेगा। कुल मिलाकर कैलकुलेशन वैसा ही होगा, ट्रांसफर का ईयर भी वही रहेगा, लेकिन टैक्स निकलेगा कब? जब स्टॉक बिकेगा। पैसे ही नहीं है, टैक्स कहां से पटाएंगे, ऐसा सोच लो इसको, ठीक है। प्रोविजन यही है 45(2) कंप्लीट, 45(2) एक बाद में बात करेंगे। 45(3) अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर की, दोनों अलग पर्सन है, पहले क्लियर कर लो, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर दोनों अलग अलग पर्सन है, करेक्ट है। पार्टनर ने अपनी कोई एसेट फर्म को, देखिए होता है ऐसा, एक पार्टनर बोला ठीक है यार मेरे पास बिल्डिंग है, एसेट है, एक पार्टनर बोला मैं कैश मिलाता हूं, दोनों ने एसेट मिलाया, फर्म में फर्म को ट्रांसफर किया, वहां एंट्री क्या पास होती है? देयर विल बी द एंट्री ऑफ इन इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ फर्म। मान लो मैंने एसेट मिलाया तो यू विल पास द, इट विल पास द जनरल एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सही है ना? Yes, sir. जितने रुपए में उसने एंट्री पास की है वही सेल कंसिडरेशन है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 50C। क्या ये वर्ड समझ में आएगा? सब्जेक्ट टू सेक्शन 50C। लेकिन अगर वो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम रहा देन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज सेल। वो तो है ही, करेक्ट है, ठीक है। तो जब किसके हैंड में कैपिटल गेन चार्ज होगा? नेचुरल ट्रांसफरर पार्टनर के हैंड में चार्ज होगा, और कैपिटल गेन जो चार्ज होगा पार्टनर के हैंड में, उसमें सेल कंसिडरेशन क्या लिया जाएगा? वैल्यू रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ द फर्म। मैं यहां लिख देता हूं सब्जेक्ट टू 50C। क्या ये समझ में आ रहा है? पक्का? क्योंकि 50C जो है ना स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम वैल्यू होने देता नहीं। हाँ, अगर आप जो एसेट ट्रांसफर कर रहे हो वो अगर लैंड बिल्डिंग नहीं है, कोई और एसेट है, इन दैट केस ओके, इट मे बी पॉसिबल यू आर ट्रांसफरिंग मशीनरी, इट मे बी पॉसिबल यू आर ट्रांसफरिंग मशीनरी। मशीनरी की स्टाम्प वैल्यू तो होती नहीं है, तो फिर जो बुक्स में वैल्यू वही लेंगे। चलिए ओके, 45(4) फर्म जब पार्टनर को कोई एसेट ट्रांसफर करती है, और कब ट्रांसफर कर रही है? अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो डिसोल्यूशन के समय हो सकता है, अदरवाइज भी हो सकता है, केस बताया, तो किसके ऊपर कैपिटल गेन चार्ज होगा? फर्म के ऊपर चार्ज होगा, एंड सेल कंसिडरेशन विल बी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट एसेट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नॉर्मल, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नॉर्मल बोल के मैं कई सारे मैसेज दे रहा हूं आपको। किसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? किसके लिए? फर्म के लिए। और फर्म के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर नॉर्मल एसेट है तो उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसकी बुक्स में होगी, लेकिन अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो आपको WDV माइनस करना पड़ेगा पूरे ब्लॉक की। समझ रहे हैं बात को?
तो जैसा केस रहेगा उस तरीके से लिया जाएगा। और एक केस अगर मैं अभी से बता दूं, क्योंकि इसमें थोड़ा डिस्प्यूट है, पार्टनर भी इस एसेट को कभी बेच सकते हैं ना। जब पार्टनर इसको सेल करेंगे तो कैपिटल गेन पार्टनर गेन में जब कैलकुलेट होगा तो जितने में सेल करेंगे तो सेल कंसिडरेशन रहेगा, और इसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पार्टनर के लिए एफएमवी रहेगी। जो बुक में जो एडिशनल शीट में जो क्वेश्चन है उसमें जो आंसर है ना उसमें एग्रीड वैल्यू लिखा हुआ उसको ठीक कर लेना, हमारी बुक में सही है, ठीक है। इसमें एक जजमेंट एक्चुअली में, अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो देयर विल बी अ सर्टेन मेमन कुछ है, हाँ मेनन, उसका जजमेंट है। उस जजमेंट में आप देखना यही लिखा हुआ है कि भैया ये जब बेचेगा ना तो यहां फर्म के लिए जो सेल कंसिडरेशन था फर्म एफएमवी तक की जर्नी हो चुकी है। कैपिटल गेन इज एन एप्रिसिएशन टैक्स, ये समझता है। 100 रुपए की चीज 120 हो गई तो 20 पे टैक्स ले गए वो, अब 120 से ऊपर की गाड़ी शुरू हो गई, अब 120 की चीज किसी और ने 130 में बेची 130 तो 10 पे टैक्स लगेगा, एक 130 से 150 में बिका तो ऊपर, समझ रहे हैं बात को। तो ये पी के लिए कॉस्ट बन जाएगा ये जब ये सेल करेंगे। 45(4) एंड द लास्ट सेक्शन इज 45(5) गवर्नमेंट जब भी कोई प्रॉपर्टी कंपल्सरी एक्वायर्ड करती है, गवर्नमेंट जब भी कोई प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट कंपल्सरी एक्वायर्ड करती है तो कंपल्सरी एक्विजिशन भी ट्रांसफर है, सेक्शन 247 में लिखा है, करेक्ट। इट मींस देयर विल बी अ कैपिटल गेन एंड द कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन विल बी इन केस ऑफ ओरिजिनल कंपनसेशन इट विल बी चार्जेबल इन द ईयर ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, क्योंकि प्रोविजन लिखा है इट विल बी फुल्ली चार्जेबल इन द ईयर इन विच कंपनसेशन फुल्ली और पार्टली रिसीव, थोड़ा भी पैसा मिलेगा चार्जेबल हो जाएगा। मतलब कहीं अगर 1,00,000 करोड़ की कंपनसेशन में गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई एक काम करो इस साल जो है ना 25,000 रुपए ले जाओ, तो हम बोलेंगे मत दो भैया 25,000 पूरा, थोड़ा ज्यादा ही पैसा देना, क्योंकि 25,000 देंगे और सेल कंसेशन काउंट होगा 1,00,000 रुपए, समझ रहे हैं बात को। मतलब पता लगा जो टैक्स लाइबिलिटी आ रही है उसको हम उस एडवांस से नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं, मे बी पॉसिबल, ठीक है, खैर उसको छोड़िए। तो द कैपिटल गेन वुड बी चार्जेबल, किस साल चार्जेबल होगा, जिस साल गवर्नमेंट का पहली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, लेकिन सेल कंसेशन कितना लेंगे, पूरी कंपनसेशन भले मिली हो बाकी चाहे इस साल ना मिली हो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, नॉर्मल, मैं नॉर्मल वर्ड यूज कर रहा हूं, जैसा आपको आता है, क्या क्या आता है आपको सोचो जरा, मेरे को आता है अगर मैंने खरीदा है तो मेरी कॉस्ट, मैंने 1481 के पहले खरीदा तो एफएमवी ले सकता हूं अगर ज्यादा है तो, सही है। मैंने अगर प्रीवियस ओनर से गिफ्ट वगैरह में मिला है तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट, उसने अगर 1481 के पहले लिया है तो एफएमवी ले लूंगा मैं, उसके पहले का इंप्रूवमेंट है तो इंप्रूवमेंट ले लूंगा, 1481 के पहले का इंप्रूवमेंट नहीं लूंगा, ये तो हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है, समझ रहे बात को। अगर इसमें भी आपको कोई टेंशन तो लिस्ट बना लो, चार चार मुद्दे हैं बस, शुरू के 3-4 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, हर क्वेश्चन में काम आएगा ये, सही है, उसमें हम बात कर लेंगे। लेकिन अगर कोर्ट में हम चले गए और हमारा इन कंपनसेशन हमने बढ़वा लिया, कोर्ट ने आदेश दिया कि इसको और पैसा दो, तो वो पैसा जैसे जैसे मिलेगा, जिस जिस साल में जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे चार्जेबल होगा, एंड लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म विल बी डिपेंड अपॉन द ओरिजिनल पीरियड ऑफ होल्डिंग, करेक्ट है। एंड सेल कंसिडरेशन तो जो पैसा मिलेगा लेंगे, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है तो व्हाट यू विल डू, निल। और अगर रिड्यूस हो गया तो ओरिजिनल कंपनसेशन ओरिजिनल कैपिटल गेन वुड बी रेक्टिफाइड, रेक्टिफिकेशन में जाएंगे आप। रेक्टिफिकेशन का प्रोविजन हमारे थ्योरी नहीं है बट रेक्टिफिकेशन का पावर होता है, हम रेक्टिफिकेशन, एक होता है रिवाइज रिटर्न, एक होता है रेक्टिफिकेशन, फर्क है। रिवाइज रिटर्न का टाइम लिमिट है, रिवाइज रिटर्न का टाइम लिमिट है 1395 बिलेटेड रिटर्न है 1395 और आई थिंक इट विल बी आफ्टर अप टू 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। थोड़ा मेरी बात समझना, है ना, ये तो रिकॉल हो गया होगा आपको, असेसमेंट ईयर के खत्म होने के बाद 1 साल तक मैं रिवाइज कर सकता हूं, लेकिन कोर्ट का फैसला ही 3 साल बाद आया जो कि फास्टेस्ट फैसला बोला जाता है इंडिया में, सही है ना। कोर्ट का फैसला 3-4 साल में आया तो मेरा रिवाइज रिटर्न करने का टाइम, मैं थोड़ा टेक्निकल में जा रहा हूं, जरूरत नहीं आईपीसीसी में, लेकिन कुछ लोगों को शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा, 4-5 साल बाद फैसला है रिवाइज रिटर्न फाइल करने का तो मेरा टाइम निकल गया, और कोर्ट ने फैसले में क्या दिया मालूम है, कंपनसेशन रिड्यूस्ड। और कंपनसेशन रिड्यूस होगा तो आपको अगर लगता होगा कि उस रिटर्न को मैं रिवाइज करूंगा, यू कैन नॉट रिवाइज बिकॉज द टाइम लिमिट हैज बीन एक्सपायर। रेक्टिफिकेशन अलग प्रोविजन है, 154 में फाइनल में पढ़ोगे आप,
सेक्शन 154, समझ रहे बात को? रेक्टिफिकेशन जब कोर्ट का ऑर्डर आता है ना किसी भी मैटर पे, तो उस केस को रेक्टिफाई करने के लिए 4 साल का टाइम देता है गवर्नमेंट, मतलब इनकम टैक्स, कोर्ट के फैसले के बाद। कोर्ट के फैसले के बाद मतलब अगर 10 साल बाद भी फैसला आया तो भी मैं अगले 4 साल तक उसको रेक्टिफाई कर सकता हूं, ठीक है? कोर्ट के आगे कोई नहीं है ना भाई, कोर्ट ने अगर हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया तो फिर कमिश्नर और कमिश्नर अपील और सीसीआई इनकी कोई हैसियत नहीं है, ठीक है? ये तो एक डिपार्टमेंट हुआ, ठीक है? चलिए तो 45(5) थोड़ा टेक्निकल डिस्कशन हो गया, ठीक है? टेंशन नहीं होगी तो छोड़ देना, भूल जाना। 45(5) समझ में आ रहा है? उसके बाद मैं कुछ बेसिक चीजों की भी बात कर लेता हूं जो मैं अभी अभी आपके बताया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये लेते हो आप? तो हम कैपिटल एसेट जो लेते हैं ना, कैपिटल एसेट या तो शॉर्ट टर्म होती है या लॉन्ग टर्म होती है, करेक्ट है? इसमें 12 महीने 24 महीने 36 महीने तक, 12 24 36, ठीक है? 12 24 36 महीने तक अगर आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग है तो शॉर्ट टर्म, बियॉन्ड दैट लॉन्ग टर्म, करेक्ट है? कौन सी एसेट है भैया? देखो 12 महीने वाले में मेरे को जहां तक याद आ रहा है, ये जो पॉइंट अभी मैं बता रहा हूं ना, इसमें विजन क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि मैं अभी वो सिक्योरिटी सेल वाला मैटर रोक के रखा हूं, यहां कंफ्यूजन शुरू होगा फिर, ठीक है? तो 12 महीने में मेरे ख्याल से लिस्टेड सिक्योरिटी सही है, अदर देन यूनिट्स, क्या सही है? लेकिन यूनिट्स को लिया है अलग से, यूनिट्स ऑफ यूटीआई और इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ऐसी म्यूचुअल फंड की यूनिट जिसका पैसा आप, जिसका पैसा म्यूचुअल फंड वाले ने, यूनिट समझते ना, इफ यू आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द शेयर मार्केट एंड यू हैव नो टाइम टू वॉच द शेयर मार्केट रेगुलरली, देन यू शुड इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड यूनिट्स, बिकॉज म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपके उस पैसे को इकट्ठा करके उसमें बहुत ही इंटेलिजेंट फंड मैनेजर बिठाता है और वो शेयर मार्केट में लगाते हैं या डेप्ट मार्केट में लगाते हैं, डेप्ट मार्केट मतलब डिवेंचर में भी लगा सकते हैं, करेक्ट है? तो मैं ऐसे म्यूचुअल फंड की यूनिट यहां लूंगा जिसका ज्यादातर पैसा कहां लगा हुआ है, इक्विटी मार्केट में। कुछ समझ में आ रही बात? इसका ये मतलब है, हालांकि इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है टैक्सेशन में। देन जीरो कूपन बॉन्ड, इसको भी हम एक बार देख चुके हैं शायद, याद है? ठीक है, ये वाली एसेट की पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 महीने तक शॉर्ट टर्म और उसके ऊपर लॉन्ग टर्म, करेक्ट है? ठीक है, और ये 24 महीने वाले जो है अनलिस्टेड, है ना, शेयर ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, सही है क्या? ओके, उसके बाद बची हुई अदर, जिसमें मेनली सब 36 मंथ में ही आती है, इन सब एसेट्स पे 36 मंथ देखा जाएगा और उसके ऊपर होते लॉन्ग टर्म। क्यों करते हो आप? क्योंकि भैया देखो, अगर लॉन्ग टर्म हुआ, समझना, अगर कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म हुई तो यू शुड इंडेक्स, आपको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा जो आप जानते हो, लेकिन किसको इंडेक्सेशन करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कंफ्यूजन दूर करो, कई लोगों को लगता है कि अगर इंप्रूवमेंट 3 साल से ऊपर नहीं हुआ है तो हम इंडेक्सेशन नहीं करेंगे। कुछ समझ में आ रही बात? इफ द कैपिटल एसेट इज लॉन्ग टर्म, मैंने सुनना एक मुद्दा आ चुका है क्लास में, अगर कैपिटल एसेट मैंने 4 साल पहले खरीदी है लॉन्ग टर्म है, लेकिन इंप्रूवमेंट 1 साल पहले कराया है तो भी इंप्रूवमेंट को इंडेक्सेशन होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को आप इंडेक्स कर रहे हो और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इंडेक्स नहीं कर रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। इंडेक्सेशन अगर हुआ तो दोनों का, यहां तक कि सुनना, यहां तक कि तब भी इंप्रूवमेंट को इंडेक्सेशन करोगे। कौन सा प्रीवियस ईयर हमारा? 16-17 में मार्च में एसेट बेचा, फरवरी में इंप्रूवमेंट किया। क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? मार्च 17 में बेचा, फरवरी में इंप्रूवमेंट किया, 1 महीना पहले, इंडेक्सेशन होगा कि नहीं होगा? होगा, यह अलग बात है कि उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सोचो, क्योंकि सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर 16-17 1125 इमेज बना पा रहे हो?
ठीक है, और डिवाइडेड बाय सीआईआई ऑफ द ईयर इन विच इंप्रूवमेंट डन 1125। लेकिन इंडेक्सेशन दिखाओ भी आप उसको, आप ये नहीं बोलोगे कि मैं इंडेक्सेशन नहीं कर रहा हूं। समझ में आ रही बात? तो ये कई बार ये वाला डाउट अभी थोड़ी ना होता है, ये वाला डाउट हमारे को एग्जाम के टेबल पे होता है, इसलिए बता रहा हूं मैं, मेरे को एक्सपीरियंस है। कई स्टूडेंट आके बताते हैं सर इंडेक्सेशन तो एक साल किया, एक साल में वो तो हमने नहीं किया, तो बोला आज तक ऐसा क्वेश्चन बनाया क्या आपने? बोला नहीं बनाया। इसलिए मैं इतने फोर्सफुली बता रहा हूं, पहले नहीं बताया करता था मैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मैंने क्या लिखा, अगर कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन विल बी डन। इंडेक्सेशन किसका होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, करेक्ट है क्या? अच्छा, अब इंडेक्सेशन कैसे करना, इसको कैसे इंडेक्स करोगे बताओ? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो इनटू सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बड़ी चीज हो जाती कई बार अगर आपका क्वेश्चन 45(1)(a) 2 और 5 के लिए। क्या बात समझ में आ रही? क्योंकि ये तीन ऐसे केस हैं जिसमें ईयर ऑफ ट्रांसफर और ईयर ऑफ चार्ज अलग अलग हो जाते हैं, हो सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन बाकी सभी क्वेश्चन में ईयर ऑफ ट्रांसफर और ईयर ऑफ चार्ज एक ही होता है। द कैपिटल गेन वुड बी चार्जेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, कैपिटल गेन, नॉर्मल चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, द कैपिटल गेन वुड बी चार्जेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर भी वही रहता है और चार्ज भी वही रहता है, कभी कंफ्यूजन नहीं होता, आंख बंद करके इनटू 1125 ले लेते हैं हम, समझ रहे? बट यहां पे क्या होता है, लाइक 45(2) में क्या होता है, कैपिटल एसेट अगर 14-15 में कन्वर्ट हुई है और बिकी 16-17 में है स्टॉक, तो आप चार्ज करोगे 16-17 में, लेकिन ईयर ऑफ ट्रांसफर आज भी 14-15, तो इनटू 1125 लिए और क्वेश्चन खत्म। और सोच के देखो, थोड़ा इसका इंपैक्ट समझाना चाह रहा हूं मैं, अगर आपने ये इंडेक्सेशन गलत कर दिया तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गलत, इसका इंपैक्ट सुनना थोड़ा, तब मेरी बात समझ में आएगी प्रैक्टिस क्यों जरूरत है। क्या गलत हो गया? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गलत, और अगर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गलत हो गया तो कैपिटल गेन गलत निकला, और कहीं ये वाला क्वेश्चन असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का हुआ तो जीटीआई खत्म, इंटरनल एडजस्टमेंट खत्म, टोटल इनकम खत्म, टैक्स खत्म, कोई आंसर मैच नहीं करेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जीरो मार्क्स मिलेंगे, कभी भी टेंशन मत लेना, कोई भी एग्जाम हो पास होने का पूरा जुगाड़ रहता है, कितनी भी टफ एग्जाम रहे, अगर आप सरेंडर नहीं कर रहे हो ना, अगर आप सरेंडर नहीं कर रहे हो ना, आपको कोई फेल नहीं कर सकता, एकदम नीच पढ़ना है वाली मोड में होता अलग बात है, समझ रहे मेरी बात को? कितनी भी टफ एग्जाम है, कितनी भी टफ है, पेपर देखते ही पसीना आ गया एकदम, कई बार पेपर देख के होता है माथे का पसीना एड़ी तक चला जाता है, समझ रहे हैं? ऐसा फील होगा कभी 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 लाइफ में, देखना या हुआ होगा। तो पहला क्वेश्चन कॉन्फिडेंट नहीं बनेगा, हमको पता रहता है ना यार, जैसे बोलते हैं ना जिसका डर था वही हुआ, कई बार क्या होता है मालूम है, यार ये तो नहीं आता, इसको छोड़ देते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन देखे आपने देखा है आए समझ रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा, पक्का है समझ रहे हैं बात को? बताया था मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर में मेरे साथ सीए फाइनल में हुआ था, कॉन्फिडेंट था, पहला क्वेश्चन नहीं बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा, और दोनों मिलाकर 40 नंबर थे, बच गया था मेरे पास 60 नंबर। तो जैसा मैंने आपको समझा रहे ना कि हर पेपर में पास होने का जुगाड़ रहता है, ऐसे हमारे सीनियर ने समझा रखा था, भाई देख एग्जाम जो है ना कॉन्फिडेंस की लड़ाई है, जिस दिन अपने हथियार डाल दिया ना कि भैया नहीं अपने नहीं हो सकता, उस दिन खत्म। मैं बोला नहीं, मतलब भैया पानी लेके आओ पानी पिए, हमने बोला क्या होगा यार इस क्वेश्चन में, इस पेपर में क्या होगा, 20 नंबर मिलेंगे ना, 22 लेके। ट्रांसफर डिवाइडेड बाई सीआईआई ऑफ द ईयर इन विच SAC acquired the asset, but अगर आप प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेने गए हैं तो केवल कॉस्ट लेके मत आना, क्यों जाते हो ये पता है ना आपको? अगर आपने एसेट को गिफ्ट वगैरह में आपको मिली है तो आपके पूरी वर्किंग बेस्ड होगी प्रीवियस ओनर, तो वेन एवर यू गो टू द प्रीवियस ओनर तो केवल वहां से कॉस्ट उठा के नहीं लाना, पूरा कॉन्सेप्ट, मतलब कॉस्ट भी लेंगे, इंडेक्सेशन भी लेंगे, इंप्रूवमेंट भी लेंगे, उसी के आधार पर
इंडेक्सेशन करेंगे और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी वहीं से काउंट करेंगे। क्या समझ में आ रही बात? हालांकि मैंने मल्टीपल प्रीवियस ओनर का कॉन्सेप्ट एक आध क्वेश्चन नहीं देखे। यहां पर कई बार क्या होता है, ए ने बी को गिफ्ट दिया, मैं बताना चाहता हूं, ए ने बी को गिफ्ट किया, बी ने सी को गिफ्ट किया, ठीक है, और सी ने इसको सेल कर दिया। एसएससी हमारा सी है, समझ में आ रहा है? अब ये प्रीवियस ओनर जो है ना, ये नहीं है इसका, इसका प्रीवियस ओनर ए है, ठीक है। प्रीवियस ओनर किसकी कॉस्ट लेना है? जिसने वाकई में इस एसेट को परचेस किया, ऐसा समझ लीजिए। और पूरा यहां से लेकर इसकी सेल तक ये है पीओएच, ये तो ऐसा ही है बंदा, हटा वहां से उसको, समझ रहे बात को? गिफ्ट में लिया, गिफ्ट में दिया, ये इंटेलिजेंट, गिफ्ट में मिला बेच दिया, समझ रहे हैं बात को, ठीक है। और इंप्रूवमेंट का इंडेक्सेशन कैसे होता है? इंप्रूवमेंट का इंडेक्सेशन कैसे होता है? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनटू सीआईआई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, करेक्ट, डिवाइडेड बाय सीआईआई ऑफ द ईयर इन विच इंप्रूवमेंट वॉज डन। जिस साल इंप्रूवमेंट हुआ है वो इंप्रूवमेंट का ईयर सेम भी हो सकता है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल आपको दिया। क्या ये दोनों तीनों पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ओके अगर आपने, और जनरल पॉइंट्स भी बता देता हूं, अगर आपने कैपिटल एसेट को 1481 के पहले एक्वायर्ड किया है तो नाउ यू हैव एन ऑप्शन टू टेक एफएमवी एज ऑन 1481, तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? विच एवर इज हायर। लेकिन 1481 के पहले अगर इंप्रूवमेंट हुआ है, और इंप्रूवमेंट चाहे एसएससी ने किया हो चाहे प्रीवियस ओनर ने किया हो, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे किसी भी हालत में, किसी भी लॉजिक में कंसिडर नहीं करेंगे, इररिलेवेंट पॉइंट रहता है वो, ठीक है। कैपिटल गेन पूरा समझ में आ रहा है? अब एक काम करो, एडिशनल शीट है ना आपके पास, उसको निकालो। मैं आपकी क्लास स्टार्ट किया था 10:40